सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने की जनता से पराली न जलाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सभी जगह जनता से प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए शासनादेश जारी हुए हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा पराली न जलाने की अपील की है तथा नियमों का पालन न करने वाले 11 किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। सर, जो पराली को लेकर के शासनादेश हुए हैं, क्या है सर? जनपद संभल में जितने भी पराली जलाने वाले किसान बंधु हैं, उनको लगातार जागरूक किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो जितने शुगर फैक्ट्री हैं, वहाँ पे आने वाले जो कृषक हैं, गन्ना लेकर के आ रहे हैं, उनकी भी लगातार मीटिंग की जा रही है। उनको अवेयर किया जा रहा है कि कृपया करके गन्ने की पतोही जो है उसको मत जलाएं। जगह जगह बीट स्तर पे, ग्राम स्तर पे और थाना स्तर पे मीटिंग की गई है। ग्रामीणों से जनसंवाद स्थापित किया गया है। उनको बताया गया कि पराली या पतोही या कूड़ा ऐसे मत जलाए जिससे पोल्यूशन फैले, प्रदूषण फैले और आम जनता को नुकसान हो। इसी क्रम में कुछ लोगों ने, जिन्होंने इस नियम का अनुपालन नहीं किया था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई भी की गई है। हमारे जनपद में अभी तक 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें हयातनगर, असमोली, बहजोई और गुन्नौर, धनारी, रजपुरा आदि सभी थाना क्षेत्रों में हमारे यहाँ कार्रवाई की जा रही है। तो आपके माध्यम से मैं उनको अवेयर भी करना चाहूँगा कि कृपया करके किसी भी मास रूप में, बृहद रूप में कोई ऐसा जलाने का कार्य मत करें, चाहे वो पथोई हो, कूड़ा हो, पराली हो, किसी भी चीज़ को मत जलाएं। और उसके बाद अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और प्रशासन के द्वारा आपके फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो कृपया करके आप लोग इस तरीके की घटनाएँ मत करें।